अलीजे, तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं होगा मेरी जान। हाँ, मैं कैसे परेशान ना हूं? शमशा अफदान को बेटा दे देगी और मेरे यहां तो बेटी होगी। इस तरह तो रमशा की अहमियत बढ़ जाएगी अफदान की नजरों में। बेटे की मां तो रमशा ही कहलाएगी ना। तुम ये क्या दखियनूसी बातें कर रही हो मेरे साथ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी अफनान ने तुमसे इस तरह की कोई बात कही है? कि मुझे बेटा चाहिए या बेटी? नहीं, उसने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर बात ही खत्म हो गई। अगर रमशा की चची ने ऐसा कह भी दिया है तो उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही होगा जो अल्लाह चाहे। अलीजे, तुम्हें तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हें सेहतमंद औलाद अता करे, बस। कोई जरूरत नहीं परेशान होने की, बस रिलैक्स करो। मैं अफनान को औलाद की खुशी देना चाहती थी, लेकिन अब तो रमशा की तरफ से भी उसको औलाद हो जाएगी। मेरी सारी खुशी बर्बाद कर दी है इस लड़की। कैसी बातें कर रही हो अलीजे? तुम ही अफनान को पहली औलाद दोगी। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई ना कोई जादू, कोई ना कोई अमल जरूर करती है रमशा। इसीलिए तो वो जो चाहती है वो ही हो जाता है बस। अल्लाह ही जानता है कि सच क्या है, लेकिन मैंने देखा है वो नमाज की बहुत बाकायदगी करती है। कोई नमाज ही नहीं छोड़ती, शायद इसीलिए अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल करता है। Thank you.
कान, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? ये क्या सवाल हुआ भाई? ये सब तो अल्लाह के इख्तियार में होता है, हमारे नहीं। अल्लाह जो भी दे उसे खुशी से कबूल करेंगे। हाँ, लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश भी तो होती है। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, बेटा है बेटी? मेरी ख्वाहिश सिर्फ एक सेहतमंद औलाद। बस यही दुआ है कि अल्लाह हमें बेटा दे या बेटी, वो मुकम्मल पैदा। और उसके नसीब अच्छे।